हे गाइस, दिस इज़ श्रुति हियर एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए बॉटनी का सिलेबस लेके आई हूँ जो कि बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए है। और मैंने आपको बताया था कि मैंने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है जिसमें मैं सारे सिलेबस को अपलोड कर रही हूँ। अगर आप फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, जूलॉजी, जो किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप चाहते हैं वीडियो, तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और आज मैं आप सभी के लिए बॉटनी का सिलेबस लाई हूँ। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, यूपी गवर्नमेंट, लखनऊ। मैंने आपको बताया था कि ये जो भी मैं आपको सिलेबस बता रही हूँ, ये यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अवेलेबल है। आप इसे, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप अवध में नहीं पढ़ रहे हैं तो आप कहीं और पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेबस दूसरा होगा, आपका सिलेबस यही होगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोगो है बॉटनी, और इसे हम देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये बताया गया है कि किन किन लोगों ने मिलकर इसे बनाया है। और यहाँ पे देखिए, सेमेस्टर वाइज ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए, मैं तो कहती हूँ आपके लिए मेन इम्पॉर्टेंट यही है कि आप पेपर का टाइटल जानिए क्या है। और जैसे कि आप किस ईयर के हैं और किस सेमेस्टर के हैं, सभी सेमेस्टर के आप बुक, ये सब बुक्स के नाम होते हैं। आप बुक्स आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, क्योंकि सारी बुक्स अवेलेबल हैं इस समय। क्योंकि लेकिन जब हम लोग स्टार्टिंग में गए थे तो, क्योंकि हम, मैंने जब बीएससी किया था तो वही बीएससी में यहाँ पे रामनवल लोहिया में सेमेस्टर वाइज स्टार्ट हुआ था, तो मुझे थोड़ी सी हम लोगों को प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि यहाँ पे सिलेबस जो है, क्योंकि सेमेस्टर वाइज हो गया था। कहाँ एक साल में एक बार पेपर होता था और यहाँ पे दो दो बार पेपर होते हैं अब। तो स्टार्टिंग में हम लोग गए थे तो वहाँ पे क्या बुक्स नहीं थी, क्योंकि सेमेस्टर वाइज के लिए, जैसे एक ईयर के लिए बुक तो अवेलेबल थी, लेकिन जो सेमेस्टर वाइज था उसमें टॉपिक्स क्या है, लास्ट वाले और पहले वाले को मिला के बनाया जाता था, तो इसमें थोड़ी सी हम लोगों को प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन ठीक है, वैसे बहुत ही अच्छा है ये सिलेबस। यहाँ पे देखिए, स्टार्ट हम करते हैं अभी। यहाँ पे साइकोलॉजी, माइकोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, बॉटनी में आप सभी जानते ही होंगे, आप जब अगर बॉटनी पढ़ते हैं तो वो किस चीज़ से रिलेटेड होता है, वो ज़्यादातर पौधों से रिलेटेड होता है, वनस्पतियों से रिलेटेड होता है। और आप जानते हैं, जो लोग बॉटनी पढ़ते हैं उन लोग का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, और उन लोगों की रिस्पेक्ट भी हमें बहुत करनी चाहिए, क्योंकि वही लोग हैं जो हमारे कृषि को बेहतर बना रहे हैं। और सो हम लोग को उन लोग का, मतलब सपोर्ट भी करना चाहिए, और उन लोगों को भी हमारे कृषि को, यानी कि कृषि में जो उत्पादन हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, हम कृषि, अभी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूँ, सिक्किम जो है वो हमारी वर्ल्ड का ऑर्गेनिक स्टेट बन गया, मतलब ऑर्गेनिक खेती के लिए, ऑर्गेनिक खेती के लिए वो क्या है, वर्ल्ड का वो स्टेट बन चुका है इस सिक्किम। लेकिन इन लोगों ने इसमें बहुत मेहनत लगी इन लोगों को, क्योंकि 2003 से इन्होंने तैयारी स्टार्ट की थी, यानी कि सिक्किम की सरकार ने। और यहाँ पे अब इस समय, यानी कि 2023 में या 22 के लास्ट में इन्फॉर्मेशन आई थी कि जो सिक्किम है वो वर्ल्ड का, मतलब कि ऑर्गेनिक खेती के लिए एक वर्ल्ड का पहला स्टेट बन चुका है। ये बहुत इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी, बड़ी अचीवमेंट थी। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे हमारा जो जितने भी हमारे राज्य हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, सब में जैविक खेती हो, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो सके। सो गाइज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो बॉटनी के लिए तो बहुत सारे यहाँ पे वो दिए हैं, वेबसाइट दिए हैं। अगर आपके पास अगर फ़ोन है तो आपको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, आप फ़ोन से इन सभी टॉपिक्स को डालकर आप उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स ने यहाँ पे बताया भी है इन सब चीज़ों के बारे में। और यहाँ पे देखिए, सारी चीज़ें दी हैं, इसमें भी एक्सपेरिमेंट होता है, इसे भी हम वर्चुअल लैब, मतलब कि वर्चुअल लैब में कर सकते हैं। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए अगर आप कॉलेज में अवेलेबल नहीं हैं तो आप उसे अपने घर से ही कर सकते हैं। ऐसा क्या होता है ना कि जो बच्चे बीएससी करते हैं वो घर पे बैठे रहते हैं, और बहुत सारे बच्चे, मैं सारे बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, जो बच्चे घर पे बैठे रहते हैं उनकी बात कर रही हूँ, ताकि उन्हें थोड़ा लगे कि हाँ, उन्हें थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। तो
उन लोगों की मैं बात करना चाहूँ तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों को ऐसा चाहिए कि जो भी सब मतलब उनके पास जो भी सिलेबस है, अगर आपके पास दो बुक है यानी कि एक सेमेस्टर में आपके पास दो है तो कम से कम आप एक बुक तो कंप्लीट कर ही लीजिए, क्योंकि पेपर में क्या होता है एक बुक से आधा क्वेश्चन आता है, एक बुक से आधा क्वेश्चन आता है। तो अगर आपने एक बुक को भी अच्छे से तैयार कर लिया तो आप आसानी से पेपर दे सकते हैं। एक बार मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था तो मैंने सिर्फ एक बुक अच्छे से रिवाइज़ की थी और मुझे सारे क्वेश्चंस उसमें से मिले थे। सो आप ध्यान इस चीज़ का ध्यान दीजिए, और जो लोग घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं उनको ख़ास तौर से ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि उनका साल बर्बाद ना हो, क्योंकि जब आप थर्ड ईयर में आएंगे और आप अपने दोस्तों को देखेंगे तो आपको बहुत ही पछतावा होगा बहुत। तो आप क्या करें कि अच्छे से पढ़ाई करें, और सिलेबस यहाँ पे मैं आपको दे ही रही हूँ, आपको सिलेबस की कोई वो दिक्कत नहीं होगी, आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें इकट्ठे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे साइटोकेमिस्ट्री, ऐसे ऐसे नाम होते हैं बॉटनी में तो मुझे लेने में भी डर लगते हैं। और यहाँ पे देखिए स्टार्ट है, यहाँ पे देखिए डिटेल सिलेबस ऑफ बीएससी थर्ड ईयर, यानी कि ये थर्ड ईयर का आप सिलेबस आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड ईयर का सिलेबस है ये, और सेमेस्टर फिफ्थ का है ये। यहाँ पे देखिए प्लांट वाटर रिलेशन, मिनरल न्यूट्रिशन, ट्रांसपीरेशन एंड ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम, कार्बन ऑक्सीडेशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म और सभी प्लांट डेवलपमेंट मूवमेंट डॉर्मेंसी एंड रिस्पॉन्स, बायो मॉलिक्यूल्स, ये तो आपने ट्वेल्थ में भी पढ़ा होगा, प्रोटीन भी पढ़ा होगा, एंजाइम न्यूक्लिक एसिड, ये सभी आपने ट्वेल्थ में पढ़ा ही होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बायोलॉजी में, अगर जो लोग बायोलॉजी नहीं लिए थे वो लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसक्रिप्शन एंड रेगुलेशन ऑफ जीन्स, एक्सप्रेशन प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोलॉजी डाटाबेस, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यहाँ पे देखिए ये सभी बुक्स के नाम हैं। अब जैसे ही यहाँ पे जैसे आप कोई टॉपिक है, जितने यहाँ पे जितने भी वेबसाइट्स दिए हैं, ये वेबसाइट्स को आप अगर किसी को भी यहाँ पे आप डालते हैं तो आपको इसमें देख जाएगा सब कुछ। एक बार आप जहाँ पे जो वेबसाइट है आप कोई भी चुन लीजिए और वहाँ पे ज़रूर देखिए, क्योंकि अच्छी चीज़ें हैं ये सब चीज़ें अच्छी हैं। यहाँ पे देखिए इसे भी आप वर्चुअल लैब से कर सकते हैं, ये आपका एक्सपेरिमेंट है, इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स हम कॉलेज में नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करें इसे हम वर्चुअल लैब का इस्तेमाल करें क्योंकि हमारे पास है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी मुझे यहाँ पे देखिए ढेर सारे दिए सजेस्टेड, यहाँ पे भी अमृता, शायद अमृता बॉटनी के लिए नहीं है, लेकिन आप एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर होगा तो आप उसी से देखिए। फालतू हर जगह मतलब हर वेबसाइट पे जाने का क्या मतलब है, एक ही वेबसाइट से अगर काम हो जाए तो अच्छी बात। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और अगर आप, मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि अगर आपको किसी और मतलब किसी और भी सब्जेक्ट के ऊपर सिलेबस चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के दें, ताकि मैं उसे यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा सकूँ। नैनो टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज, AI, ICT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आपने सुना ही होगा, उसके बारे में आपको ब्रीफली यहाँ पे पढ़ना है, और ये सब जानकारी आप यहाँ पे ले लें। सो गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। यहाँ पे आता है 6th semester, ये हमारा लास्ट है, नेचुरल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन। मैं आपको एक बात बता दूँ कि आप कोई भी एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं तो उसमें आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके गोल्स, इसे क्यों बना, ये सब चीज़ें आपको ज़रूर देंगी। और मैं आपके लिए ये वाला प्लेलिस्ट बनाने वाली हूँ जिसमें हम सभी संगठन के बारे में बात करेंगे, कन्वेंशंस के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पे जैसे SDG हो गया, और जैसे UNEP है, UNFCCC है, G20 है, ये सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। मैं आपके लिए जब लाऊंगी तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो वीडियो लाऊं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। यहाँ पर देखिए ख़त्म होने वाला है, यहाँ पे सेमिनार आपने, मुझे ऐसा लगता है अगर आपने स्टार्टिंग में आपके कॉलेज में सेमिनार ज़रूर हुआ होगा, सेमिनार में
मैं इस पे भी वीडियो लेके आऊँगी कि आपको सेमिनार के लिए स्टार्टिंग कैसे करते हैं। बहुत ही ईजी होता है और बहुत, अगर आप एक बार आपने सेमिनार कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ही बेहतर हो जाता है, क्योंकि आप अपने क्लास के स्टूडेंट्स के सामने आप बोलते हैं एज अ टीचर, तो आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। देखिए यहाँ पे पॉल्यूशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसा सिलेबस इन लोगों ने, NEP 2020 ने ऐसा सिलेबस डेवलपमेंट किया है कि अगर आपने इसे पढ़ लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति बन जाएंगे। तो गाइज यहाँ पे देखिए एक ख़त्म हो गया, यहाँ पे प्रोजेक्ट के बारे में दिया है। आप जैसे कि आप आपने मैथ में, मैंने आपको बताया था असाइनमेंट में कि ऐसे ही बनाया जाता है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया जाता है पहले और ये सब चीज़ें कराई जाती हैं। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू।